हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 के मिनिस्ट्री प्रेफरेंस के फॉर्म आ चुके हैं और आप लोगों में से बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वो क्या मिनिस्ट्री चूज करें, उनको मिनिस्ट्री चूज करते टाइम क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि हम ऐसी कौन सी बातें हैं जो मिनिस्ट्री प्रेफरेंस चूज करते टाइम ध्यान में रखें और उसी हिसाब से प्रेफरेंस चूज करें, क्योंकि होता ये है कि हमें जानकारी नहीं होती और हम जल्दबाजी में मिनिस्ट्री चूज कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन याद रखिए कि आप एक बार मिनिस्ट्री चूज करोगे तो एटलीस्ट आपको 5 से 6 साल मिनिस्ट्री काम करना है, तो प्रेफरेंस बहुत ध्यान से भरिएगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो मिनिस्ट्री चूज करते टाइम लोग सोचते हैं कि वर्कलोड के बारे में, कि अगर हम बड़ी मिनिस्ट्री चूज करेंगे तो वहाँ पे वर्कलोड ज्यादा होगा, छोटी मिनिस्ट्री में कम होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बड़ी मिनिस्ट्री जैसे कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सब में जरूरी नहीं है कि आपको वर्कलोड ज्यादा मिले। वर्कलोड हमेशा ही सेक्शंस पर डिपेंड करता है और सेक्शन पर भी आप किस सीट पर बैठे हो, वहाँ पर किस तरह के काम आते हैं, उस हिसाब से आपकी वर्कलोड डिसाइड होती है। तो वर्कलोड के बेसिस पर तो आप मिनिस्ट्री बिल्कुल भी चूज मत करिए। कुछ लोग रेपुटेशन के हिसाब से चूज करते हैं कि हम भैया सबके सामने बोलेंगे कि हम होम मिनिस्ट्री में है, डिफेंस मिनिस्ट्री में है, तो हमारी ज्यादा रेपुटेशन हो जाएगी। तो हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस हिसाब से चूज करो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्राइटेरिया आई थिंक मेरे हिसाब से होना चाहिए कि आप जहाँ पर भी रह रहे हो, आपके अगर दिल्ली में घर है या आप कहीं पे फ्लैट लेते हो, तो वहाँ से कितने डिस्टेंस पर आपकी मिनिस्ट्री पड़ती है। वैसे तो मोस्ट ऑफ दी मिनिस्ट्रीज आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मिल जाएगी, लेकिन उसके अलावा उद्योग भवन और भी जगहों पर मिनिस्ट्री है, तो आप एक बार डिस्टेंस जरूर सर्च कर ले। एंड नेक्स्ट क्राइटेरिया मेरे हिसाब से होना चाहिए कि आप मिनिस्ट्री चूज करते टाइम ये जरूर देख लें कि मिनिस्ट्री में कितने सीट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने एक गलती करी थी कि मैंने उस टाइम नहीं देखा था कि मेरी मिनिस्ट्री में, यानी कि मैं माइंस मिनिस्ट्री में हूँ, तो कितने सीट्स है। तो उसमें जस्ट एक सीट थी और मैं अकेले पोस्टेड हो गई 2020 CGL से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। तो आप ऐसा ना करें, आप देख लें कि 2-4 सीट्स जिसमें हो उसमें फिल करें, आपके साथ और भी न्यू ज्वाइनी आए ताकि आप कंफर्टेबल फील करें जब आप ज्वाइन करो। तो हम एक एक करके बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले इसमें है हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री में आपको कैशलेस ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं पे भी जाओ, आपकी बिल्कुल फ्री में सर्विसिंग होती है। ये तो आपने सुना होगा लेकिन आपको इसकी सच्चाई नहीं पता है। एक्चुअली जो हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड होते हैं और जहाँ पर आप इलाज के लिए जाते हो, वहाँ पर जो टॉप लेवल के डॉक्टर्स होते हैं, ये मेरा पर्सनल तो नहीं बोलूंगी, मतलब मैंने ऐसा सुना है और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वो टॉप लेवल के डॉक्टर्स ना वो पहले ही पूछते हैं कि एम्पैनल्ड है तो मैं इसका इलाज नहीं करूंगा, क्योंकि उनको ना उस झमेले में नहीं पड़ना होता कि हाँ भैया पहले इसके डिपार्टमेंट को खबर करो और फिर वहां से रिइंबर्समेंट लो। तो ये सच्चाई है, आपको मानना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट हेल्थ मिनिस्ट्री का है कि मिनिस्ट्री में खुद की डिस्पेंसरी है, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप दवाइयां और जो भी बेनिफिट्स है वहीं से ले सकते हो। अब हम एक और ऐसी मिनिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो वो है INB, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। इसमें भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आप प्रसार भारती या फिर ऑल इंडिया रेडियो में पोस्टेड हो मिनिस्ट्री ऑफ INB की तरफ से, तो आपको रेडियो कॉलोनी में गवर्नमेंट क्वार्टर्स बहुत ही इजिली मिल जाते हैं और बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं। जस्ट 3-4 महीने में आपको वहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस मिनिस्ट्री की और खास बात है कि इसमें आपको हर संडे फ्री टिकट्स अवेलेबल होते हैं मूवी के लिए। पटेल चौक में गवर्नमेंट का खुद का एक थिएटर है जहाँ पर आप जाकर के हर संडे जो लेटेस्ट मूवी लगी रहती है वो जाके फ्री में देख सकते हो। इसके अलावा जो बड़े बड़े अवार्ड शोज होते हैं, फिल्म फेस्टिवल या नेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये सब होता है, तो इसमें भी आपको जाने का मौका मिलता है। तो आप इस मिनिस्ट्री में रह करके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह से भी मिल सकते हो, फोटो ले सकते हो, इनफैक्ट उनसे बातचीत कर सकते हो एंड ऑल। अब नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री है जिसमें आपको बेनिफिट मिलता है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री। सबको पता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में कैंटीन कार्ड मिलता है, जिससे आप कुछ रुपए तक के लिमिट की चीजें सस्ते रेट पर ले सकते हो। प्लस इसमें आपको बेनिफिट मिलता है कि टोल फ्री होता है आपका, लेकिन सच्चाई ये है कि वो डिपेंड करता है कि भैया टोल में कैसा बंदा बैठा है। अगर वो नहीं मान रहा है तो जबरदस्ती नहीं आप बोल सकते कि भैया हम डिफेंस मिनिस्ट्री में हैं। वैसे तो नॉर्मली डिफेंस वालों का टोल फ्री होता है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसमें भी आपको बहुत बारी बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स या जो इंडिया में बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जाने का मौका मिलता है, तो यहाँ पर भी आप बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज वगैरह से मिल सकते हो। एक ने मुझे मैसेज किया था कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की क्या बेनिफिट है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा सिविल एविएशन सुनकर के कि आपको
फ्लाइट की टिकट्स वगैरह फ्री मिल जाती होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। सो ये थी वो सारी मिनिस्ट्री जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। अब मिनिस्ट्री प्रेफरेंस फॉर्म कैसे फिल करनी होती, तो आपका मिनिस्ट्री प्रेफरेंस फॉर्म कुछ इस तरह का दिखता है, और आपको जो भी मिनिस्ट्री पहले लेनी है उसके जस्ट साइड में आपको नंबर 1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद लेनी है नंबर 2 लिखना पड़ेगा। टोटल आपके पास 40 to 45 मिनिस्ट्रीज होती है, और ये मिनिस्ट्री अलॉटमेंट आपके रैंक के हिसाब से होती है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी आइडिया मिल गई होगी कि आपको किस हिसाब से मिनिस्ट्री प्रेफरेंस भरना चाहिए। तो आइए आप सीएसएस में, फिर मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।